यार हम पहुंच गए हैं, अपना फ्लोर कौन सा है? अच्छा You're so funny. Okay. Thank you. Good. देखो ना आज कितने अच्छे मूड में हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो ना। अब ये तो तुम पर डिपेंड करता है ना, तुम्हें मेरा मूड अच्छा रखना है या फिर अपनी हरकतों से मुझे गुस्सा दिलाना है। लेकिन मैंने तो कभी कोई ऐसी हरकत ही नहीं की जिस पे तुम्हें गुस्सा आए। बेटा सायमा को तुम काफी अरसे से जानते हो और घूम फिर भी रहे हो इसके साथ, मोहल्ले वाले तुम्हें घर पे आता जाता भी देखते हैं, और सबसे बड़ी बात तुमने इसको अंगूठी पहना दी है। तो तुम्हारी अम्मी रिश्ते की बात के लिए कब आ रही हैं हमारे घर? पता नहीं तुम अचानक से ही बदल जाते हो। हम लड़कियों की ना आदत होती है लड़कों को बेवकूफ बनाना। उनका दिल तोड़ना, बेवफाई करना। उसके बाद मासूम बन जाती हूँ, लेकिन मैंने क्या किया? दानिश मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम्हें अभी तक मेरा पता नहीं चला। एग्जैक्टली यही तो मसला है कि तुम लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालते हो। क्योंकि तुम एक छोटे दिमाग की छोटे मोहल्ले से आई हुई हो। हमारा दिमाग और सोच भी थोड़ी छोटी है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं लोगों का गुस्सा तुम पर उतारता हूँ, राइट? अच्छा, अब तुम फिर से गुस्सा करने लग गए हो। इतना अच्छा मूड था तुम्हारा, प्लीज अपना मूड खराब नहीं करो। अच्छा मैं सॉरी कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी ना, आई एम सो सॉरी, प्लीज। पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे निकालते हो। हमारा बुरा वक्त तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जब तुम लोगों का बुरा वक्त शुरू होगा ना, तो वो तुम सबके साथ ही खत्म होगा। मेरी बद्दुआ है तुम लोगों को एक दिन सुकून से नहीं। अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, तुम सब पे पड़ेगी, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। तुम लोगों को तुम एक मौका तक नहीं मिलेगा संभलने का, याद रखना मेरी बात। चुप कर, बंद कर अपनी बकवास। पूछो इससे, पूछो कि अबे भी यह हमजा के हवासों पे क्यों छाई हुई है।